लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कंसेप्ट देखे थे मीन वैल्यू थ्योरम के। हमने एक लास्ट में जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करी थी। आज हम जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से देखेंगे लॉ हॉस्पिटल्स रूल कैसे प्रूव करा जाता है। लॉ हॉस्पिटल्स रूल हम यूज करते हैं लिमिट फाइंड करने में, जबकि हमारे हमारा जो फंक्शन है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म का। हमें आज का टॉपिक है ला हॉस्पिटल्स रूल। ऊपर ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गया ठीक पक्का। ला हॉस्पिटल्स रूल कहां पर यूज करें, पहले एक एग्जांपल से देखें कहां पर ये यूज होता है। सबसे सिंपल एग्जांपल से देखते हैं, बहुत इजी एग्जांपल है साइन एक्स बाय एक्स। आप लोगों में से बहुत लोग जानते हैं लिमिट एक्स गोज टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है। हम लोगों ने पहले देखा हुआ ये दिस इज इक्वल टू वन। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, देखिए जब ये साइन एक्स क्या है, एज एक्स गोज टू जीरो साइन एक्स जीरो को जा रहा है, ठीक है। सेम यहां पर है एज एक्स गोज टू जीरो एक्स जीरो को जा रहा है, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म का है। हम डायरेक्ट इसके लिमिट नहीं निकाल सकते, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये वन होगा, हमें कुछ काम करना है। और हमने देखा था इसे प्रूव करते वक्त हमने एप्सिलॉन डेल्टा का यूज करा था डेफिनेशन का, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की मदद से हमने प्रूव किया था साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स गोज टू जीरो दिस इज इक्वल टू वन। एलोपिटल्स रूल का यूज करने के बाद हम डायरेक्ट देख पाएंगे कि ये वन होता है, दिस लिमिट इज इक्वल टू वन। और इस तरह की जीरो बाय जीरो या हम कहें इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या जीरो टू द पावर जीरो इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, अगर हमें इस फॉर्म के लिमिट्स निकालने हैं, इनको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट, हमें डिटरमाइन नहीं कर सकते इन्हें। जीरो बाई जीरो क्या होता है हमें नहीं मालूम, ये कोई अनडिफाइंड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हम जीरो से डिवाइड नहीं करते। कभी भी आप कोई भी नंबर से डिवाइड करना हो पी बाई क्यू, तो ये क्यू को हमेशा क्या होना पड़ता है, नॉन जीरो, ठीक है। बट अगर क्यू जीरो होता है, बहुत बार हम उसको हम बोलते से इफ क्यू इक्वल टू जीरो पी बाई क्यू दिस इज अनडिफाइंड, बट वी कैन टेक इट इंफिनिटी। बट इस केस में पी इस केस में नॉन जीरो है, अगर मैं क्यू जीरो लेता हूं तो मैं उसे इंफिनिटी कहता हूं। इट डिपेंड्स कि पी क्या है, अगर वो पॉजिटिव प्लस है तो उसे प्लस इंफिनिटी कहूंगा, अगर वो पी नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसे माइनस इंफिनिटी कहूंगा। बट क्या होगा जब दोनों ही जीरो हो, पी भी जीरो हो और क्यू भी जीरो हो, तो यहां पर मैं डिटरमाइन करता हूं मेरे लिए नामुमकिन है, तो इसलिए इसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। इसका तरीका एक लिमिट निकालने का जो रूल है वो एलोपिटल्स रूल हमें देता है, वो क्या कहता है कि आप डेरिवेटिव करिए साइन का, एक्स का डेरिवेटिव करिए, तब हम जो डेरिवेटिव आएगा उस पर लिमिट लगाइए तो सेम होगा। देखते क्या आता है, अगर हम साइन का डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करूंगा डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स को मुझे वन मिलेगा, एंड लिमिट एक्स गोज टू जीरो दिस इज इक्वल टू कॉस जीरो वन होता है, ये वन है। इस एग्जांपल में हमने देखा ये कि डेरिवेटिव दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को का डेरिवेटिव लूं और साथ में लिमिट उस डेरिवेटिव पर अप्लाई करूं तो मुझे एक क्वांटिटी मिलती है जो जो कि इस केस में सेम, इस केस में ठीक है।
लेकिन मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल प्रूफ का काम नहीं करते, ये आप लोग जानते हैं। तो इस स्टेटमेंट को जो मैंने अभी बोला कि मैं इसका डेरिवेटिव करूं न्यूमरेटर का, देन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करूं, इसको एक प्रिसाइज रिजल्ट को देने के लिए मुझे कुछ यूज करना पड़ेगा, जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, उसकी मदद से इस रूल को हम आज देखते हैं, इसको एक थ्योरम के फॉर्म पर देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद लॉपिटल्स रूल फॉर जीरो बाय जीरो इंडिटरमिनेसी फॉर्म। सो एज्यूम दैट एफ एन जी आर टू आर से डिफ्रेंशिएबल एट ईच पॉइंट x of n interval say j which contains point a, so here यहाँ पर f और g दोनों differentiable हैं एक इंटरवल में जो कि एक पॉइंट ए को कंटेन कर रहा है, लेकिन एक और चीज साथ में है विद पॉसिबल एक्सेप्शन एट ए। इसका मतलब f और g दोनों डिफरेंशिएबल हैं इंटरवल j में, लेकिन a पर नहीं भी हो सकता, वो j के सारे पॉइंट पर a को छोड़कर j के सभी पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब इट इज डिफरेंशिएबल ऑन j माइनस पॉइंट a, ठीक है। ओके विद पॉसिबल एक्सेप्शन एट a एंड इसके अलावा दिस जी डैश एक्स इज नॉन जीरो, जी डैश एक्स इज नॉन जीरो फॉर ईच एक्स नॉट इक्वल टू ए इन जे, जे के सभी पॉइंट पर ए को छोड़कर जी डेस एक्स नॉन जीरो है। इसके अलावा अगर हमारे पास क्या होता है, इफ लिमिट ओके लिमिट एच एक्स गोज टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एट एक्स गोज टू ए जी एक्स, दोनों क्या हो जीरो, इसका मतलब अगर ये एफ बाई जी फॉर्म का है तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म का, दोनों जीरो को जा रहे हो। एंड दिस लिमिट इफ लिमिट एक्स गोज टू ए एफ डैश एक्स बाय g dash x, if this अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा, दिस एग्जिस्ट और दिस एग्जिस्ट का मीनिंग ये तब कहते हैं जब ये फाइनाइट हो, अगर ये इनफाइनाइट भी होती है तो और this limit goes to g goes to infinity, here infinity means either plus infinity or minus infinity, दोनों में से किसी को।
एग्जिस्ट करने का मतलब ये लिमिट फाइनाइट है, तब उस केस में हम कहेंगे ये एग्जिस्ट कर रही है और वो जो भी फाइनाइट नंबर आ रहा है वो उसकी लिमिट है। अगर फाइनाइट नहीं होता वो किसी एक इन्फिनिटी को जाता है, इफ से प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, देन दिस हैपन, देन लिमिट एक्स गोज टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिस इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। सो दिस इज लॉ ऑफ पिथल रूल। ये हमने एक थ्योरम दी, अभी तक इसका प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन हमने इसको सेटिस्फाई करने वाला एक एग्जांपल देखा। कौन सा? साइन एक्स अपॉन एक्स वाला। वो क्या कर रहा था ध्यान से देखो, एफ और जी, यहां पर साइन एक्स और एक्स दोनों डिफरेंशिएबल थे सभी पॉइंट पर, इनफैक्ट यहां पर पॉसिबल एक्सेप्शन भी नहीं है, यहां पर ये हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। लिमिट एक्स गोज टू जीरो साइन एक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट एक्स गोज टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ, ये वाला पार्ट यहाँ पर फाइनाइट था, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव वन, लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स इक्वल टू वन। तो ये थ्योरम कहती है कि ये लिमिट और ये लिमिट सेम होंगे, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू वन। प्रूफ प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ पिथल्स रूल। ओके, देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ हमें, मैंने बोला आपको कि हम जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम का समहाउ यूज करेंगे, लेकिन जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम में तो फंक्शन एफ और जी दोनों क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो हम लोग इसे कंटिन्यूअस बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर, लेकिन हमें एक, एक बहुत अच्छी चीज इसने बोली कि एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल है j माइनस ए में। सो एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल ऑन j एंड पॉसिबल एक्सेप्शन इसने दिया एट ए, सो इट्स डिफरेंशिएबल ऑन j माइनस ए, ठीक है। This means this function f and g is continuous on j minus a, ये हम जानते हैं। This implies f and g both are continuous on j minus a। हमें ध्यान में रखना है मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम में तो कंटिन्यूअस था, कहां पर? पूरे इंटरवल में। यहां पर एक पॉइंट ए पर ये कंटिन्यूअस, हम कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि वहां पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, लेकिन इसे कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? इसकी मदद से। डिफाइन एफ ए इक्वल टू जीरो एंड सेम थिंग जी ए, ठीक है। अब ए पर कंटिन्यूस हो गया, कैसे? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए और लिमिट एज एक्स गोज टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होना चाहिए, और एफ ए को हमने जीरो मान लिया। सो दिस मीन्स एफ इज कंटिन्यूस ऑन जे एंड जी इज कंटिन्यूस, जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन जे। डिफाइन दिस, so we get f and g both are continuous on j, दोनों continuous है। इसके अलावा इसमें एक और चीज हमें दी है, क्या? this g dash x is non zero on on this j
except that for each x not equal to a, ठीक है. So for proving this, our claim करते हैं क्या, ये जो g था वो a पॉइंट a पर जीरो है. हम देखते हैं कि ये जो g है ये a के अलावा किसी और पॉइंट पर जीरो नहीं होगा, ठीक है. क्लेम इज दिस g x इज नॉन जीरो वेर फॉर x नॉट इक्वल टू a एंड x इन j, ठीक है. ओके, देखते हैं कैसे. मान लेते हैं कि जी एक्स जीरो है. दिस इज अवर क्लेम. एज्यूम ऑन कंट्राडिक्टरी. एज्यूम दैट फॉर सम एक्स इन जे जी एक्स इक्वल टू जीरो. एंड ऑल्सो एक्स नॉट इक्वल टू ए, जी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो इसके इसमें क्या होगा, या तो ये एक्स ए से छोटा होगा या एक्स ए से बड़ा होगा. थोड़ी देर के लिए हम लेते हैं x जो है से x इज लेस देन a. एज्यूम x इज ऑल्सो एज्यूम दैट x इज लेस देन a. सो दिस g इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल x कॉमा a, g इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल x कॉमा a, एंड gx इक्वल टू ga इक्वल टू जीरो. Then by Rolle's theorem, क्या मिलेगा? There exists a C between x comma a such that g dash c equal to zero. लेकिन और यहां पर ये c a के बराबर नहीं है, और c कहां पर भी है, c belongs to j, so which is a contradiction to this part, contradiction to this part, so which is a contradiction. Hence, gx is non-zero for all x in a and for all x not equal to a and x in j. हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, दो फंक्शंस हैं, ठीक है. अब हम यूज करते हैं क्या, जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम. क्या यूज करते हैं? यूजिंग जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम. लेट एक्स नॉट इक्वल टू ए एंड एक्स इन जे by generalized mean value theorem. By generalized mean value theorem हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या मिलेगा? There exists a C
बिटवीन से एक्स कम आए, ये यहाँ पर अगेन अगेन वी आर टेकिंग एक्स इज लेस देन ए, से से एक्स इज लेस देन ए, देयर एग्जिस्ट सी एक्स इन दिस सच दैट एफ डैश, ओके एफ डैश सी एक्स इंटू जी ए माइनस जी एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स जी डैश सी एक्स एफ ए माइनस एफ एक्स, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या मिला दिस थिंग, बट दिस जी ए इक्वल टू एफ ए इक्वल टू जीरो, ये हमने कहां पर लिया है, एफ ए इक्वल टू जीरो, जी ए इक्वल टू जीरो, बिकॉज एफ ए एंड जी ए आर जीरो, दिस मीन्स क्या, एफ डैश सी एक्स जी एक्स इक्वल टू जी डैश सी एक्स एफ एक्स, और इसके बाद हम जानते हैं क्या होगा, इसके इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज एफ डैश सी एक्स अपॉन जी डैश सी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, नाउ टेक लिमिट एक्स गोज टू ए, नाउ टेक लिमिट, और साथ में हम जान रहे हैं जी एक्स इज नॉट, सो हियर दिस जी एक्स इज नॉन जीरो फॉर दिस जी एक्स इज नॉन जीरो, ये कहां से हमने देखा, यहां पर से जी एक्स इज नॉन जीरो फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ए, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ए एंड एक्स इन जे, एंड ये वाला पार्ट क्या कहता है, ये वाला पार्ट कह रहा है जी डैश एक्स, तो ये जी डैश सी एक्स भी नॉन जीरो है, ऐसे जी जी डैश एक्स इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू ए, एंड दिस गिव्स x in j, and this gives, this implies limit x goes to a fx by gx equal to limit x goes to a, यहाँ पर ये जो cx है वो depend किस में कर रहा है, x पर depend कर रहा है, तो इसका मतलब ये this is same as f dash x upon g dash x, अगर ये finite है मीन्स एग्जिस्ट करता है उस केस में इसके बराबर होगा, अगर ये इनफाइनाइट है देन उस इन दैट केस दिस लिमिट इज इनफिनिटी एंड हेंस प्रूव, सो जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम हमने क्या देखा, लॉपिटल रूल, इसका मतलब जो हमने पहले एग्जांपल दिया था साइन एक्स अपॉन एक्स वाला वो ट्रू है, और इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर ऑल एफ एन जी सेटिस्फाइंग this condition, and this proves the L'Hopital's rule. Next class में हम इसके example देखेंगे.